गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल नेक्स्ट एग्जाम 8 PM बाय आकर्षक एकेडमी। हम लोग आज बेसिक मैथमेटिक्स के लेक्चर नंबर 14 में हैं। हमने बाइनोमियल थ्योरम स्टार्ट किया हुआ है और आज उसी लेक्चर को हम लोग फर्दर कंटिन्यू करते हैं। आज हम लोग सबसे पहले सीखते हैं कि बाइनोमियल थ्योरम के जनरल एक्सप्रेशन को कैसे करते हैं। जनरल एक्सप्रेशन जनरल एक्सप्रेशन का क्या मीनिंग है कि हम किसी एक फॉर्मूले से सारे टर्म को लिख सकते हैं। हमारे पास क्या है, x प्लस वाई रेज पावर n है, ठीक है। इसमें अगर हम ओपन करेंगे तो क्या बोलता था, एन सी एन एक्स रेज पावर n y रेज पावर 0 प्लस एन सी वन एक्स रेज पावर n माइनस 1 इंटू वाई की पावर 1 प्लस डॉट 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 एन सी, एन से भी लिख सकते थे, एन सी जीरो से भी लिख सकते थे, एन सी जीरो एन सी वन एन सी टू एन सी एन एक्स रेज पावर 0 हो जाएगा और वाई रेज पावर एन आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा जनरल एक्सप्रेशन होता है, ठीक है। इसे अगर हम देखेंगे तो इसका फर्स्ट टर्म क्या है, टी वन अगर देखेंगे तो टी वन मतलब फर्स्ट टर्म इसका क्या है, फर्स्ट टर्म का कोफिशियंट अगर देखेंगे और पूरे वैल्यूज को देखेंगे तो क्या बन रहा है, एन सी जीरो इंटू एक्स रेज पावर एन वाई रेज पावर 0। टी टू अगर देखेंगे तो क्या है, एन सी वन एक्स रेज पावर एन माइनस 1 वाई रेज पावर 1, ठीक है। तो इसमें हम लोग जनरल ऑब्जर्वेशन क्या देख रहे हैं, उसी तरह से टी थ्री अगर हम लिखते तो क्या होता, एन सी टू एक्स रेज पावर एन माइनस 2 वाई रेज पावर 2, ठीक है। इसमें जनरल ट्रेंड अगर देखेंगे तो क्या हो रहा है, मान लीजिए आर एथ टर्म लिखना है तो हम आर प्लस वन एथ टर्म लिख रहे हैं। क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ देख रहे हैं कि जो भी हमारा 1 2 3 एन सी 0 1 है तो एन सी 0 2 है तो एन सी 1 3 है तो एन सी 2 हो रहा, मतलब जो हमारा बाइनोमियल कोफिशियंट, इसको हम लोग बाइनोमियल कोफिशियंट बोलते हैं। बाइनोमियल कोफिशियंट क्या हो रहा है, एक कम हो रहा है, जितना टर्म जितना चाहिए था टर्म, जैसे टी आर प्लस वन लिखेंगे तो क्या लिखाएगा, एन सी आर, आर प्लस वन टर्म चाहिए तो आर एथ टर्म, इसको हम लोग बोलते हैं आर प्लस वन एथ टर्म, ठीक है। जैसे ये क्या है, फर्स्ट टर्म है, ये क्या है सेकेंड टर्म है, ये क्या है थर्ड टर्म, ठीक है। आर प्लस वन टर्म, अब आगे बढ़ते हैं, इसमें क्या लिखना पड़ेगा, हमें हम क्या देख रहे हैं, जो हमारा टर्म है फर्स्ट टर्म है तो हमारा पावर यहाँ क्या जा रहा है, 0। सेकेंड टर्म है तो y की पावर क्या जा रहा है, एक कम हो रहा, बाकी x पे पावर जा रहा है। टोटल पावर तो हमेशा n होता है, टोटल पावर हम जब भी देखेंगे तो क्या हुआ, n होगा, ठीक है। तो यहाँ क्या लिखा है, x की पावर, पहले y की पावर लिखते हैं, y की पावर क्या हो रहा है, जो सबस्क्रिप्ट है 3 है तो 2 लिखा था, आर प्लस वन है तो यहाँ एक काम आएगा आर, और बाकी बचा हुआ टर्म या पावर x पे आ जाएगा। तो इसे हम लोग बोलते हैं जनरल एक्सप्रेशन, ठीक है। जनरल एक्सप्रेशन का क्या मतलब हुआ कि हमें आर प्लस वन एथ टर्म या कोई भी अननोन टर्म को हमें डायरेक्ट एक टर्म को निकालना हो तो ऐसे, पूरा एक्सपेंशन करना होगा तो ऐसे, और एक टर्म निकालना होगा तो इस तरह से हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें एक चीज और हम लोग निकाल सकते हैं, मान लीजिए मिडिल टर्म, मिडिल टर्म का क्या मतलब है, ये जो पूरा एक्सप्रेशन इसके बीच वाला टर्म कौन सा हो, तो ये किस पे डिपेंड करेगा, हम सोच सकते हैं कि अगर केस वन हो कि हमारा एन जो है, मतलब इंडेक्स जो है वो हमारा इवन टर्म हो, एन जो है इवन नंबर हो, ठीक है। एन अगर हमारा इवन इंडेक्स है या इवन नंबर है, इवन इंडेक्स, अच्छा हमें क्या पता एक्स प्लस वाई का टर्म रेज पावर एन है तो इसमें नंबर ऑफ टर्म कितने होंगे, नंबर ऑफ टर्म जो होंगे जितना हमारा इंडेक्स होता है उससे एक ज्यादा होता है, यानी इसमें नंबर ऑफ टर्म कितना होगा, एन प्लस वन, ठीक है।
केस वन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इवन इंडेक्स है हमारा, तो इवन इंडेक्स के केस में क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म जो होगा एन प्लस वन होगा, और एन ऑड है तो एन प्लस वन क्या होगा, सॉरी एन इवन है तो एन प्लस वन क्या होगा, ऑड होगा नंबर, मतलब नंबर ऑफ टर्म जो होगा ऑड होगा, जैसे मान लीजिए ए बी सी तीन हो सकता है, तीन ऑड नंबर है, फोर फाइव मान लीजिए टोटल पांच टर्म है इसमें, तो क्या हो गया ये ऑड नंबर है, इसका मिडिल टर्म हम लोग कैसे निकाल सकते हैं, दिख रहा है यहाँ पे हमारा क्या है, सिंगल हमारा मिडिल टर्म है, ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ऑड नंबर का मिडिल टर्म को निकाल सकते हैं। तो इस केस में हमारा मिडिल टर्म जो होता है, मिडिल टर्म हम कैसे निकाल सकते हैं, मिडिल टर्म क्या होगा, जो नंबर है इवन नंबर है तो टू से डिवाइड होगा, प्लस वन एन प्लस वन बाय ट्वेल्थ टर्म, यहाँ पे क्या था थर्ड, ये पांच नंबर संख्या थी, ये तो क्या था तीसरा, तो हम लोग क्या कर रहे थे, मान लीजिए नंबर ऑफ टर्म अगर ऑड है तो इसका क्या हो गया तीसरा हो रहा था, ठीक है मिडिल में, और एन हमारा क्या इवन था तो एन बाई टू से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, मान लीजिए एन फोर था तो नंबर ऑफ टर्म कितना होगा, फाइव होगा, जो कि यहाँ हम लिख रहे थे, अगर एन फोर होगा तो नंबर ऑफ टर्म ऑड होगा यानी फाइव होगा, जो कि यहाँ हम देख रहे हैं, तो हम एक्चुअल कैसे कैलकुलेट करेंगे, तीसरा टर्म जो गिवन ओरिजिनल नंबर उसको टू से डिवाइड करके प्लस वन कर देंगे तो कितना बन जाएगा, ये थर्ड टर्म आ जाएगा, थर्ड टर्म, यही मिडिल टर्म था, एग्जाम्पल से समझा रहे हैं, करने का मतलब है कि अगर n इवन इंडेक्स होगा तो नंबर ऑफ टर्म ऑड होगा और उसका मिडिल टर्म जो होगा वो n बाय टू प्लस वन एथ टर्म होगा, ठीक है, केस वन था ये, और मान लीजिए केस टू में इसके अपोजिट हो, केस टू में क्या होगा, इसका अपोजिट होगा कि एन जो है, केस टू क्या होगा, एन हमारा ऑड इंडेक्स है, ठीक है, तो इसमें नंबर ऑफ टर्म क्या होगा, नंबर ऑफ टर्म क्या होगा इवन, नंबर ऑफ टर्म इवन होगा, इसका क्या मतलब है, इसका मिडिल टर्म जो होगा दो होगा, मान लीजिए वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स, ये छह है इवन नंबर है तो इसका मिडिल टर्म क्या क्या हो सकता है, ये दोनों थ्री भी हो सकता है फोर भी हो सकता है, तो मिडिल टर्म इसका हम लोग कैसे निकालेंगे, एक तो निकलेगा एन वाई टू प्लस वन नेथ टर्म, दूसरा क्या निकलेगा एन वाई टू प्लस एन वाई टू प्लस टू एथ टर्म, ठीक है, एन माइनस वन बाई टू, एन माइनस वन बाई टू, क्योंकि एन क्या है ऑड, तो ऑड में तो हम लोग डिवाइड कर नहीं सकते, इसलिए एक सब्ट्रैक्ट करके हम लोग कर रहे हैं, यहाँ से आप समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए छः है हमारे पास, तो हमारे पास ओरिजिनली इंडेक्स पाँच होगा, तो टर्म कितना आएगा छः आएगा, तो अगर हमें इसका मिडिल टर्म निकालना है तो ये कौन सा है, ये थर्ड और फोर्थ है, तो थर्ड टर्म कैसे आएगा, एन मतलब फाइव में से वन जाएगा फोर, फोर डिवाइड बाई टू प्लस वन, यानी कि थर्ड टर्म आ गया, उसी तरह एन माइनस वन प्लस टू करेंगे तो फाइव माइनस वन बाई टू प्लस टू, फोर बाई टू टू, यानी फोर्थ टर्म आ रहा है, तो ये दो फॉर्मूले से हम लोग मिडिल टर्म, दो मिडिल टर्म निकाल सकते हैं किसी भी ऑड इंडेक्स वाले बाइनोमियल एक्सप्रेशन में, ठीक है,
करती है कि कोफिशियंट ऑफ आर प्लस वन एथ टर्म आर प्लस वन एथ टर्म फ्रॉम द बिगनिंग जो होगा वो होता है एन सी आर आर प्लस वन एथ टर्म में एक कम यहाँ पे इंडेक्स है एन सी आर और सिमिलरली हम लोग कोफिशियंट ऑफ आर प्लस वन एथ टर्म फ्रॉम द एंड निकालेंगे तो उसकी वैल्यू होती है एन सी आर एन माइनस आर। ठीक है, एंड से बिगनिंग निकालेंगे तो ये एंड से निकालेंगे होती है। तो अब हमें क्या पता एन सी आर जो होता है वो एन सी आर माइनस एन माइनस आर के बराबर होता है। ठीक है, इसे चाहे तो आप कल भी हमने किया था, आज भी कर सकते हैं। एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल है एल एच एस, आर एच एस क्या है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस एन प्लस आर फैक्टोरियल, ये लिखते हैं फैक्टोरियल डिनोमिनेटर में डिनोमिनेटर ये फैक्टोरियल फिर इतना होगा डिफरेंस एन सी एन कैंसिल और यही बन जाएगा। तो मतलब क्या हो गया कि जो आर प्लस वन एथ टर्म है उसका अगर हम बिगनिंग से कोफिशिएंट लिखें या फिर एंड से कोफिशिएंट लिखें वो क्या होगा इक्वल होगा। तो इसलिए हम लोग बोलते हैं कि बाइनोमियल कोफिशिएंट में इक्विडिस्टेंट टर्म के जो कोफिशिएंट होते हैं वो बराबर होते हैं। इक्विडिस्टेंट मतलब सेम नंबर ऑफ टर्म, मतलब थर्ड आगे से देख रहे हैं तो थर्ड पीछे से भी देख सकते हैं तो उसका सेम कोफिशिएंट आएगा। ठीक है, एक सिंपल सा इस पर हम लोग अगर एग्जाम्पल करेंगे तो क्या आएगा, मान लीजिए फाइंड द टेंथ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ, मैंने मिल दिया हुआ टू एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स रेस पावर 12। ठीक है, ये हमारा क्वेश्चन। तो सबसे पहले हम लोग जनरल टर्म का भी फॉर्मूला क्या पढ़ते हैं, टी आर प्लस वन इक्वल्स टू एन सी आर एक्स रेस पावर एन माइनस आर वाई रेस पावर आर, ये हमने जनरल एक्सप्रेशन पढ़ा था। वहाँ से अगर हम पुट करेंगे वैल्यू, हमें क्या चाहिए टेंथ टर्म, तो आर की वैल्यू 9 पुट करनी पड़ेगी तभी ये टी 10 बनेगा, टी 10 मतलब टेंथ टर्म। और एन की वैल्यू क्या है 12 है, वहाँ एन की वैल्यू क्या है 12 है, तो 12 सी आर का वैल्यू 9 है, 9 इंटू एक्स, एक्स क्या है यहाँ पे 2x² है, 2x² एन माइनस आर, एन क्या था एन वन 12 आर वन 9, क्या बनेगा 12 माइनस 9 और y क्या 1/x है और इस पे पावर क्या है r, r क्या है 9। कोई दिक्कत, अब इसे हम लोग ओपन करेंगे 12 सी 9 को हम लोग ओपन करना जानते हैं, 12 फैक्टोरियल 9 फैक्टोरियल से डिवाइड और इन दोनों का डिफरेंस यानी कि 12 माइनस 9 का डिफरेंस। ठीक है, और इसे हम लोग 2x² का पावर क्या हो जाएगा 3, 12 माइनस 9 3, 1/x की पावर 9। से फर्दर अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या बनेंगे 12 फैक्टोरियल और 9 फैक्टोरियल को अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, 9 फैक्टोरियल क्या होगा 1 से 9 तक को मल्टीप्लाई करना, 12 फैक्टोरियल मतलब 1 से 12 तक को मल्टीप्लाई करना है, तो 1 से 9 तक का जो मल्टीप्लीकेशन होगा ये 9 फैक्टोरियल नीचे से क्या होगा कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में सिर्फ क्या बचेगा 10, 11, 12 और नीचे 12 माइनस 9 पर 3 फैक्टोरियल और ये क्या बन गया 2x³ मतलब 8x रेस पावर 6 और डिवाइड बाय x रेस पावर 9। ये मैंने जो किया अभी उसे मैं एक बार फिर से यहाँ पे समझा दे रहा हूँ, इसे आप लोग भी सीख लें, कैलकुलेशन थोड़ा सा इजी हो जाएगा।
ये 12 फैक्टोरियल हम लोग क्या लिखते हैं, 12 फैक्टोरियल को 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 5 6 7 8 8 9 10 11 12 को मल्टीप्लाई करके 9 फैक्टोरियल क्या होगा 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। तो ये जो 1 से 9 तक है ये इसके साथ कैंसिल हो जाएगा, तो सिर्फ तीन ही फैक्टर बचेंगे 10 11 12, वही हमने यहाँ पे लिखा, ठीक है। कहीं भी इस तरह का हम लोग यूज कर सकते हैं। खास करके जब कॉम्बिनेशन वाला फॉर्मूला यूज कर रहे हैं एनसीआर वाला, तो हम लोग इजिली यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। इवन एनपीआर में भी हम लोग डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर को कैंसिल कर सकते हैं इस तरह से। तो इसे फर्दर अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या होगा, 3 फैक्टोरियल को ओपन करते हैं, 10 इंटू 11 इंटू 12, 3 फैक्टोरियल क्या होगा 3 इंटू 2 इंटू 1, और ये 8 इंटू, और ये x की पावर 6 माइनस 9 हो जाएगा। अब इसे कट करेंगे, 3 2 से कट करेंगे तो 6, 3 से कट करेंगे तो 2, अब क्या होगा मल्टीप्लाई होगा 8 2 और 11 और इंटू 10 है, तो 11 इंटू 8 क्या हुआ 88, 88 इंटू 2 हम लोग कर सकते हैं तो कितना आएगा 176 0, ठीक है। ये 2 जाए 11 8 जाए 88, 2 से मल्टीप्लाई किया 10 से मल्टीप्लाई किया x की पावर 6 माइनस 3 माइनस 3, तो इसे हम लोग लिख सकते हैं 1761 x क्यूब, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन, हम लोग इसे नोट डाउन कर लें, खुद से सॉल्व भी करने की कोशिश कर सकते हैं, सॉल्यूशन भी लिख सकते हैं। वीडियो को पॉज करके आप इसके सॉल्यूशन को लिख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सिंपल सवाल आपको 2017 का है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ 14C3। 14C3 का वैल्यू निकालना तो क्या करना है, 14 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल, इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा 11 हो जाएगा, 11 14 माइनस 3 11, 11 फैक्टोरियल अभी हमने जो सीखा था उसको अगर यूज करेंगे तो 14 फैक्टोरियल क्या होगा 1 से 14 का मल्टीप्लिकेशन, और 11 फैक्टोरियल क्या होगा 1 से 11 का मल्टीप्लिकेशन, कैंसिल हो जाएगा तो क्या क्या बचेगा 12 13 और 14 तीन टर्म, और ये 3 फैक्टोरियल 3 इंटू 2 इंटू 1, ठीक है। 3 से कट करेंगे तो ये 4 टाइम, 2 से कट करेंगे तो 2 टाइम्स, जो बचे हुए फैक्टर हैं उनको मल्टीप्लाई करना है, क्या क्या मल्टीप्लाई हो रहा है 13 और 2 और 14, तो ये क्या बनेगा 26 इंटू 14, इसे मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या बनेगा 14 6 जा 84 बाकी 1 8, और 14 2 जा 28 और 8 36, ठीक है। ये बन गए दूसरा हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसी तरह, हमें प्रूव करना या फिर फाइंड करना, मान लीजिए फाइंड द वैल्यू ऑफ, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू प्लस डॉट 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 एन सी एन, ठीक है। ये ऑब्जेक्टिव आपको पूछा हो, ये फिक्स क्वेश्चन है, इसे आप ध्यान से देखिए इसे हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसमें क्या है कि हम लोग 1 प्लस एक्स
या फिर x प्लस वाई जो हमने लिखा था उसके एक्सप्रेशन को देखते हैं। x प्लस वाई का एक्सपेंशन क्या हो, एन सी जीरो, एक्स रेस पावर जीरो, वाई के पावर एन प्लस एन सी, यहाँ पे एन लिख सकते हैं, यहाँ जीरो लिख सकते हैं, जो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एन सी वन एक्स पावर एन माइनस वन वाई के पावर वन प्लस एन सी टू एक्स की पावर एन माइनस टू वाई की पावर टू प्लस डॉट 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 एन सी एन एक्स की पावर जीरो वाई की पावर एन। ठीक है, इसमें हम क्या देख रहे हैं, एन सी जीरो एन सी वन एन सी टू यहाँ भी अपीयर होगा, एन सी जीरो एन सी वन एन सी टू, लेकिन यहाँ एक्स और वाई है, यहाँ पे एक्स वाई नहीं है, तो उसे हम लोग क्या कर सकते हैं, अगर हम लोग एक्स इक्वल्स टू वाई इक्वल्स टू वन रखते हैं, यानी कि एक्स और वाई दोनों की वैल्यू हमने यहाँ वन पुट कर दिया, क्योंकि हम मल्टीप्लाई में है, तो वन पुट करने पे क्या होगा, वन रेस पावर एन वन, वन रेस पावर जीरो वन, इसी तरह वन रेस पावर एन माइनस वन वन, वाई रेस पावर वन, यानी सारे टर्म क्या होंगे, वन बन जाएंगे, लेकिन एल एच एस में क्या होगा, वन प्लस वन रेस पावर एन, और ये बन जाएगा एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी टू डॉट 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 एन सी एन। अब हमें देखिए जो आर ये चाहिए था वो हमें यहाँ मिल गया, और जो एल एच एस में है वो क्या होगा, इस वैल्यू इसका आंसर हो जाएगा, ये क्या है, टू रेस पावर एन वन प्लस वन, और ये एन सी जीरो प्लस एन सी वन प्लस एन सी एन। तो मतलब है कि इसका जो सम है उसकी वैल्यू क्या आएगी, टू रेस पावर एन, ये आंसर इसका आएगा, इसे आप डायरेक्ट याद रख सकते, ये आपके वन मार्कर में पूछा जाता है कई बार, 2017 में भी पूछा गया था। दूसरा क्वेश्चन में नोट डाउन कर लिया, ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, इसे समझेंगे टेक्निक को भी और इसे हम लोग यूज भी करें। इसमें क्वेश्चन है कि फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द expansion of in the expansion of question 3x minus 2 by x square raised power 2 by x square raised power 15, ये हमारा क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारा कि फाइंड द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स इन द एक्सपेंशन ऑफ 3x माइनस 2 बाय एक्स स्क्वायर की पावर 15। सबसे पहले तो हमें जानना है कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स का क्या मतलब है, कि जो भी हमारा टर्म होगा उसमें एक्स का कोई भी पावर नहीं होगा, एक्स की पावर जीरो होगा, कोई भी एक्स की पावर 1 2 3 4 5 एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऐसा क्यों पॉसिबल है, क्योंकि हम देखते हैं कि इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन होता है कोई भी टर्म में, और इस पर क्या है, पावर हमेशा इंक्रीज होगा, इस पे जो भी पावर इंक्रीज होगा वो क्या होगा, ऊपर जाके माइनस में आ जाएगा, इसके पावर और इसके पावर कैंसिल होंगे, इस कारण से कोई ऐसा टर्म आएगा इसके एक्सपेंशन में जब हमें इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स टर्म मिल जाएगा, पावर जीरो हो जाएगा। तो जनरल एक्सप्रेशन लिखते हैं, क्या होता था जनरल टर्म का, एन सी आर वाई रेस पावर आर एक्स रेस पावर एन माइनस आर, वहां से हम लोग वैल्यू रखते हैं, तो क्या बनेगा, एन क्या है यहाँ पे 15 है, और हमें ये आर प्लस वन टर्म फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है, आर प्लस वन टर्म क्या कौन सा है, टी आर प्लस वन टर्म जो है, आर प्लस वन टर्म हमें फाइंड करना है कि कौन सा टर्म है जो कि इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स है। ठीक है, तो इसे हम लोग पुट करेंगे तो क्या बनेगा फॉर्मूला, 15 सी आर, ठीक है, एक्स रेस पावर 15 माइनस आर वाई रेस पावर आर, वाई का मतलब और एक्स का मतलब वैल्यू हम लोग पुट करते हैं, एक्स हमारे लिए क्या है,
एक्स हमारे लिए ये टर्म है, 3x रेस्ट पावर क्या लिखा है हमने, n माइनस आर यानी 15 माइनस आर, और y रेस्ट पावर मतलब माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर रेस्ट पावर आर, ये आ गया हमारा जनरल एक्सप्रेशन, आर एथ टर्म है, आर प्लस वन एथ टर्म है। और अगर हम लोग इसे फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे क्या बनेगा, 15 सी आर 3 रेस्ट पावर 15 माइनस आर और x रेस्ट पावर 15 माइनस आर, ठीक है, ये माइनस 2 रेस्ट पावर आर और x की पावर माइनस में 2 आर हो जाएगा, ऊपर जाएगा तो x स्क्वायर डिनोमिनेटर में ऊपर भी जाएगा तो माइनस x स्क्वायर x रेस्ट पावर माइनस 2 और उसकी पावर आर, ठीक है। तो x के जो भी टर्म है कोफिशियंट है उसे हम लोग कलेक्ट करते हैं, ये तो कांस्टेंट है, इसमें तो x का टर्म नहीं है, तो x का टोटल टर्म कितना हो जाएगा, तो 15 माइनस आर और माइनस 2 आर यानी कि 15 माइनस 3 आर हो जाएगा, ठीक है। इंडिपेंडेंट ऑफ x का मतलब क्या था कि x का कोफिशियंट या x का जो इंडेक्स है वो 0 हो जाए तो वो क्या वैल्यू हो जाएगी, 1, यानी कि ये इंडिपेंडेंट ऑफ x हो जाएगा। तो कहने का क्या मतलब है कि 15 माइनस 3r x की जो पावर है वो x की पावर 0 के बराबर हो जाए, या हम लोग डायरेक्टली लिख सकते थे कि 15 माइनस 3r जो है वो 0 के इक्वल हो जाए, तो इससे हमें r की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 15 बाय 3 यानी कि 5। तो r की वैल्यू 5 है तो हमें कौन सा टर्म मिला, सिक्स्थ टर्म मिला, यानी कि सिक्स्थ टर्म जो होगा वो इंडिपेंडेंट ऑफ x होगा, सिक्स्थ टर्म आंसर हो गया सिक्स्थ टर्म। लेकिन कभी कभी आपको पूछ दिया जाएगा कि जो इंडिपेंडेंट ऑफ x है उस टर्म का कोफिशियंट निकालिए, तो कोफिशियंट का क्या मतलब है, किससे वो मल्टीप्लाई हो, तो इतना जो है इसको हम लोग कोफिशियंट बोलते हैं, ये हमारा क्या हो गया कोफिशियंट। अगर कोफिशियंट की वैल्यू पूछी है टी सिक्स की तो हम लोग क्या लिखेंगे, इसमें आर की वैल्यू पुट कर देंगे, 15 सी 5 3 रेस्ट पावर 15 माइनस 5 10 इंटू माइनस 2 रेस्ट पावर आर की वैल्यू 5, तो ये क्या होगा, माइनस 2 की पावर है तो 5 पावर है तो माइनस आ जाएगा। 15 सी 5 को हम लोग एज इट इज लिख सकते हैं, बहुत बड़ी वैल्यू होगी। 3 रेस्ट पावर 10 को भी हम लोग एज इट इज लिख सकते हैं, ये बहुत बड़ी वैल्यू होगी। 2 रेस्ट पावर 5 इसे चाहे तो आप लोग ब्रेक कीजिएगा तो 32 होगा। तो फाइनली हम लोग आंसर लिख सकते हैं माइनस 32 15 सी 5 और 3 रेस्ट पावर 10, 3 रेस्ट पावर 10 तो पता है कि बहुत बड़ी वैल्यू होगी, 15 सी 5 अगर आप ओपन कीजिएगा तो वो भी बहुत बड़ी वैल्यू होगी, क्योंकि 15 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल होगा 15 माइनस 5, 10 फैक्टोरियल तक हम लोग कैंसिल इसे कर सकते हैं, लेकिन क्या क्या बचेगा, 11 12 13 14 15 इसका मल्टीप्लीकेशन डिवाइड बाय 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 से कैलकुलेट करेंगे तो ज़्यादा बड़ा वैल्यू होगा, तो उसे हमें उतनी बड़ी वैल्यू को कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं, यहाँ तक आंसर हम लोग छोड़ सकते हैं जहाँ पे हमने छोड़ा, ठीक है। इसे भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। नेक्स्ट टॉपिक पे आप हम लोग आते हैं, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बाइनोमियल एक्सपेंशन फॉर नेगेटिव, बाइनोमियल थ्योरम फॉर नेगेटिव इंडेक्स, मतलब अगर पावर नेगेटिव में हो तो हम लोग इसे कैसे ओपन करते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक्सपेंशन दिया हुआ है x प्लस वाई
रेज पावर माइनस एन, ठीक है। तो इसे निकालने के लिए हम लोग पहले तो हम लोग देखते हैं कि x प्लस वाई रेज पावर n क्या होता था। n सी जीरो x रेज पावर जीरो y रेज पावर, या उल्टा भी लिख सकते थे x रेज पावर जीरो x रेज पावर n, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। इसे अगर हम लोग x को हम लोग सिंपल अगर हम लोग इस तरह से लिखे हैं 1 प्लस एक्स रेज पावर एन, ठीक है। इसका अगर हम लोग एक्सपेंशन देखें तो ये होगा एन सी जीरो वन की पावर एन एक्स की पावर जीरो प्लस एन सी वन वन की पावर एन माइनस वन एक्स की पावर वन प्लस वन की कोई सी भी पावर होगी तो वैल्यू क्या होगी, वन ही होगी। एन सी एन वन की पावर जीरो एक्स की पावर एन, ठीक है। ये क्या बनेगा एन सी जीरो प्लस एन सी वन इंटू एक्स प्लस नेक्स्ट टर्म क्या होता है एन सी टू एक्स स्क्वायर प्लस एन सी एन एक्स रेज पावर एन। इसे अगर हम लोग फैक्टोरियल फॉर्म में लिखेंगे इस बाइनोमियल कोफिशिएंट को तो क्या बनेगा, पहला तो वन बनेगा एन सी जीरो वन, एन सी वन क्या बनेगा एन इंटू एक्स, एन सी टू क्या बनेगा एन इंटू एन माइनस वन अपॉन। से अगर आप लोग देखना चाहें तो यहाँ देख सकते हैं एन सी टू क्या बनेगा एन फैक्टोरियल अपॉन टू फैक्टोरियल इंटू एन माइनस टू फैक्टोरियल। हमने क्या पढ़ा है कि लोअर वाले नंबर से हम लोग ऊपर वाले का, क्योंकि ये एक छोटी संख्या है इससे, तो ऊपर में सिर्फ और सिर्फ क्या बचेगा एन माइनस वन इंटू एन एन माइनस टू फैक्टोरियल तक कैंसिल हो जाएगा और ये टू, तो एन सी टू एन इंटू एन माइनस वन बाई टू हो जाएगा, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इधर तीसरा टर्म लिखेंगे तो वो एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू अपॉन थ्री फैक्टोरियल एक्स क्यू डॉट डॉट डॉट, उसके लास्ट टर्म को भी हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। ये हमारा कर्व है, ये हमारा पॉजिटिव इंडेक्स है, एन क्या है पॉजिटिव इंडेक्स। हम लोग इसी के हेल्प से निगेटिव इंडेक्स के लिए भी फॉर्मूला लिखेंगे, ठीक है। तो अगर हमारा निगेटिव इंडेक्स है वन प्लस एक्स रेज पावर माइनस एन, ठीक है, इसके इसे हम लोग ओपन करेंगे निगेटिव इंडेक्स के लिए, चाहे तो x प्लस वाई के भी लिख सकते हैं, ठीक है। जहाँ जहाँ हमारा वन आया है यहाँ पे वहाँ वहाँ x आ जाएगा, कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन हम लोग वन प्लस एक्स रेज पावर माइनस एन का जनरल टर्म लिखना चाह रहे हैं। तो इसका जो जनरल टर्म होता है वो इस तरह से लिखा है माइनस वन रेज पावर आर, ठीक है, डिवाइड होगा आर फैक्टोरियल से जो वहाँ भी हो रहा है, और ये लिखा है एन इंटू एन प्लस वन इंटू एन प्लस टू डॉट डॉट डॉट, प्रोडक्ट में सारे चीज डॉट 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 एन माइनस आर प्लस वन, ठीक है। ये जनरल एक्सप्रेशन होता है जब हमारा निगेटिव कोफिशिएंट हो तो, ठीक है। अब एक क्वेश्चन आपको 2019 में पूछा हुआ, 2019 में एक क्वेश्चन पूछा हुआ है कि n इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस थ्री डॉट 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 सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर की वैल्यू क्या होगी। अगर हम इसे ध्यान से देखेंगे तो फर्स्ट लेक्चर में हमने क्या पढ़ा था, वन से n तक मल्टीप्लाई करें या फिर वन n से वन तक, वो n फैक्टोरियल होता था, लेकिन ये क्या है फोर पे रुक गया है। तो इसे अगर हम लोग एन इंटू एन माइनस वन इंटू एन माइनस टू एन माइनस टू डॉट 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 सिक्स इंटू फाइव इंटू फोर, अगर थ्री इंटू टू इंटू वन से मल्टीप्लाई और थ्री इंटू टू इंटू वन से डिवाइड कर दें तो ऊपर तो क्या बन जाएगा एन फैक्टोरियल और नीचे क्या हो गया ये थ्री फैक्टोरियल। तो ये हमारा आंसर आ गया, सिंपल क्वेश्चन था 2019 में ये पूछा गया था आपको ऑब्जेक्टिव में।
पिछले साल एक दो सिंपल सवाल और करते हैं लास्ट ईयर के ही। क्वेश्चन गिवन है 8 PR इक्वल्स टू 336, तो वैल्यू निकाली थी आर की। 8 PR का एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है, 8 फैक्टोरियल अपॉन 8 माइनस r फैक्टोरियल, और इसकी वैल्यू गिवन है 336। ठीक है, इसे हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। ठीक है, और इसको अगर हम लोग ओपन करेंगे तो क्या बनेगा, थ्री सिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 × 1 = 5 और 16 = 168। ठीक है, इसे फर्दर अगर ब्रेक करेंगे तो क्या लिखेगा, 2 × 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो क्या बनेगा, 3 × 5 = 3 6। ठीक है, इसे फर्दर करेंगे तो हम लोग क्या बनेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 14। ठीक है, तो इसमें हम क्या देखें, ये कोई पैटर्न को फॉलो नहीं कर रहा, हम इसे हीट एंड ट्रायल मेथड से करने की कोशिश अगर करेंगे, आर की वैल्यू 1 अगर पुट करते हैं तो क्या बनेगा, 8 फैक्टोरियल, और ये 7 फैक्टोरियल, इसकी वैल्यू तो 8 होगी, और आर को अगर हम 2 पुट करेंगे तो क्या होगा, 8 फैक्टोरियल अपॉन 6 फैक्टोरियल। ठीक है, 8 में से 2 गया 6 फैक्टोरियल, 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, आउट और 7 क्या बनेगा, 56 दिख रहा है, 56 एक फैक्टर आ रहा है। आर को अगर हम 3 पुट करेंगे तो क्या बनेगा, 8 फैक्टोरियल अपॉन 5 फैक्टोरियल। ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल हो जाएगा, तो इसमें क्या बनेगा, 5 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 6 × 7 × 8, 6 × 7 × 8 क्या बन जाएगा, 5 तक कैंसिल हो गया, 6 7 8, 6 7 8 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या बन रहा, अगर यहाँ आप देखेंगे तो 14 को हम लोग क्या लिख सकते थे, 2 × 7, और ये 7 और ये 3 क्या बन जाएगा, 6, ये 4 और 2 क्या बनेगा, 8 और 7, मतलब 6 7 8 हमारा LHS को, RHS को अगर हमने देखा था तो वो क्या था, 6 7 8 था, तो हम लोग अगर R को 3 पुट कर रहे हैं तो ये 6 7 8 बन रहा है, इसका मतलब ये 336 है, तो R की वैल्यू 3 आ गई। ऑब्जेक्टिव में ये पूछा हुआ क्वेश्चन था। ठीक है, और सिंपल सवाल पूछा हुआ आप लोगों को कि NC0 + 26C2 × 5C5 की वैल्यू क्या है, 26C2 का मतलब क्या हो, 26 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल × 24 फैक्टोरियल 5C5 1 होगा, 24 फैक्टोरियल तो कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, 25 एंड 26, नीचे 2 और ये 1, 2 से ये 13 टाइम्स में कैंसिल हो जाएगा, 13 और 25 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा 325। ठीक है, इस तरह से 2019 में ये सारे आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे गए थे। अब हमें ज़्यादा क्वेश्चन की ही प्रैक्टिस करनी है, क्योंकि हमने थ्योरी मैक्सिमम कवर कर लिया है। ठीक है, आज हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं, तो नेक्स्ट क्लास में इसकी प्रैक्टिस और भी करेंगे, प्रीवियस ईयर पेपर भी करेंगे, ताकि आपको और क्लैरिटी हो जाए और सिंपल सा एक अप्रोक्सीमेशन पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग टुडे।